देखिए बेटा, आज हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, ट्रांसफार्मर। बेटा, इससे पहले बेटा मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर मुख्तलिफ हम डिवाइस पढ़ के आए हैं। जैसे चैप्टर 12 के अंदर हमने कैपेसिटर पढ़ा, और चैप्टर 13 के अंदर हमने रेजिस्टर वगैरह पढ़े। मुख्तलिफ हमने बेटा डिवाइसेस पढ़े हैं, उनके मुख्तलिफ काम होते हैं। जैसे कैपेसिटर जो होता है उसका काम होता है चार्ज या एनर्जी स्टोर करना, रेजिस्टर का काम होता है बेटा करंट को कंट्रोल करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट करना। हर चीज के अपने फंक्शन है। तो आज हम जो डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी आप कह सकते हैं एक ऐसा ही डिवाइस है जो ईएमएफ को या पोटेंशियल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा कि हमने एसी जनरेटर भी पढ़ा, डीसी जनरेटर भी पढ़ा। एसी जनरेटर के अंदर हमने ये पढ़ा कि एसी ईएमएफ जो होती है वो जनरेट होती है, जबकि डीसी जनरेटर के अंदर हमने ये पढ़ा कि वहां पे जो डीसी ईएमएफ होती है वो जनरेट होती है। और डीसी ईएमएफ जो होती है बेटा, जो डीसी करंट को मूव करवाती है वो ईएमएफ बेटा कांस्टेंट होती है। वैसे हमने जनरेटर के तो अंदर देखा था कि पल्सेटिंग करंट बनता है, लेकिन उसको फर्दर स्मूथ करके स्टेडी बनाया जाता है। और जो एसी करंट होता है उसके लिए बेटा जो ईएमएफ होती है वो भी चेंजिंग ईएमएफ होती है। तो एसी और डीसी दोनों में फर्क ये है बेटा कि एसी ईएमएफ जो होती है उसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, जबकि जो डीसी ईएमएफ होती है उसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से न इंक्रीज कर सकते हैं न डिक्रीज। वो जनरेटर में जो बनती है, अगर 10 वोल्ट बनती है तो वो 10 ही वोल्ट हमने आगे कहीं पे ले जानी पड़ेगी, बाकी अपनी मर्जी से उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा भाई सारे बेटा, तो देखिए बेटा जो एसी ईएमएफ होती है उसको हम ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल करके उसको स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, जबकि जो डीसी ईएमएफ होती है उसको हम ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, वो क्यों नहीं कर सकते वो आगे उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांसफार्मर, जिसका बुनियादी जो काम होता है वो ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है सिचुएशन के हिसाब से। कहीं पे अगर हमें ज्यादा करनी होती है ईएमएफ तो ज्यादा कर देता है, और कहीं पे अगर हमें कम ईएमएफ करनी होती है तो वो ईएमएफ को कम कर देता है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ये वो डिवाइस है जिसका काम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। इसका बेटा कोई काम नहीं होता करंट या किसी अदर क्वांटिटी के साथ, कोई भी इसका काम नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ जो काम होता है वो काम होता है ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के लिए हम लिखेंगे बेटा कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। अगर ट्रांसफार्मर के लिए लिखे हैं हम, तो बेटा हम लिख सकते हैं कि इंक्रीजेस अल्टरनेटिंग ईएमएफ बेटा, अल्टरनेटिंग बेटा ईएमएफ इसके अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये एसी जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होती है उसको इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको डिक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बेटा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस काम प्रिंसिपल पे बेटा काम करता है? अगर हम देखें बेटा तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बेटा,
तो ये वर्क करता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा यही वजह है कि इसके अंदर डीसी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीसी जो होता है बेटा वो इंडक्शन नहीं करता बेटा। अब इसमें बच्चे पूछेंगे कि पल्सेटिंग डीसी हो या डीसी थ्रू रियो स्टेट हो, किस तरह हम दे तो क्या उसमें हो सकता है। बेटा ये एक ऐसी रेयर कंडीशंस होती है कि अब डीसी को बैठ के इंक्रीज डिक्रीज करो, अब इतना करेगा कौन? ठीक है, कोई बंदा बैठा हो डीसी को इंक्रीज डिक्रीज करता रहे और फिर वो जो है वो इंडक्शन हो, तो ऐसा नहीं होता। ये कोई ऐसा नहीं कि इस तरह से इंडक्शन नहीं होगी, इंडक्शन होगी डीसी को कम ज्यादा करने से, लेकिन अब वो बैठ के कौन करेगा डीसी को इंक्रीज या डिक्रीज, तो ऐसे नहीं होता। एक जनरल कंडीशन होती है कि डीसी स्टेडी होता है, उसके अंदर इंडक्शन नहीं होती, तो इस तरह के डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेटा एसी जो होता है वो इस तरह से चेंज होता है और उसके अंदर इंडक्शन होती है और उसके ऊपर वो डिवाइस काम करता है, बाकी डीसी के ऊपर ये डिवाइस काम नहीं करेगा बेटा। ठीक है, ये तो एक एक्सेप्शनल चीजें होती है कि डीसी को ये करे वो करे, तो फिर वो तो कौन करेगा उसको? खामखा बैठ के जब एसी से आराम से हो जाती है इंडक्शन, तो डीसी से करवाने की कोई जरूरत नहीं होती बेटा। ठीक है, फेन अलग। अब देखिए बेटा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बेटा, ये हम इसको बनाते कैसे हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसको हम बनाते कैसे हैं बेटा। अब बेटा यहाँ पे जाहिर सी बात है म्यूचुअल इंडक्शन होती है, तो इसके अंदर दो कॉइल्स या दो से ज्यादा कॉइल्स का होना जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन जो होती है वो हमेशा दो या दो से ज्यादा कॉइल्स के अंदर हो सकती है। तो इसके अंदर बेटा इस तरह होता है, एक फ्रेम होता है बेटा इसका, इस तरह से आप कह सकते हैं कि बेटा इसका एक फ्रेम होता है जिसको हम कहते हैं बेटा कोर मटेरियल, इस तरह से। ठीक है, आप कह सकते हैं बेटा कि ये एक फ्रेम है और फ्रेम को हम कहते हैं बेटा कोर मटेरियल, और ये जो फ्रेम होता है बेटा ये लेमिनेटेड होता है, इसको हम कहते हैं बेटा लेमिनेटेड, लेमिनेटेड कोर मटेरियल बेटा। अब ये लेमिनेटेड क्या होता है बेटा? लेमिनेटेड का मकसद होता है बेटा ये तहदार होता है, इसके लेयर्स होते हैं, इसका फ्रेम बड़ा थिक होता है, जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनका तो बहुत ज्यादा थिक होता है, लेकिन छोटे से छोटे ट्रांसफार्मर का भी इतना थिक तो होता ही होता है। तो बेटा जी ये जो इसका फ्रेम होता है ना, इसको लेयर्स में बनाया जाता है, जैसे ये बुक है ना बेटा, देखें ये बुक इतना थिक है लेकिन ये बेटा लीव्स का बना हुआ है, ये पेजेस का बना हुआ है, तो आप ये कहोगे कि ये कागज का बना हुआ है, इतना थिक तो है लेकिन ये लेयर्स का बना हुआ है। कैसे होता है बेटा ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से लेयर्स के अंदर बनता है बेटा। ठीक है, तो आप इसको बेटा देख सकते हैं कि ये लेयर्स के अंदर कैसे बनता है बेटा, ये इसका फ्रेम है बेटा, आप इसको देख सकते हैं बेटा कि ये जो है ये हमारे पास इसका फ्रेम होता है बेटा, ये देखें बेटा ये लेयर्स के अंदर बना हुआ है, और एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान वार्निश जो होती है बेटा उसका लेयर होता है। देखिए ये एक पतली सी लेयर है बेटा, ये सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास लेयर आती है इसकी, ये आप कह सकते हैं कि बेटा ये सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन होता है, या इसको परमेलॉय कहा जाता है बेटा, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं बेटा कि ये सॉफ्ट आयरन है या परमेलॉय है। ठीक है, परमेलॉय जो होता है बेटा ये आयरन निकल और कोबाल्ट की कॉम्बिनेशन से बनता है, और इसको ओवरऑल आप देख सकते हैं बेटा कि ये एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान जो होता है बेटा
इंसुलेटिंग जो है वो इंसुलेटिंग लेयर होता है बेटा, वो ज्यादातर मोस्टली वार्निश का होता है या कोई और चीज भी हो सकती है कि ये एक दूसरे के साथ जब चपकाए जाते हैं बेटा तो इनको जो चपकाया जाता है वो किसी इंसुलेटिंग चीज के साथ चपकाया जाता है बेटा, ठीक है। अब इसके बेटा जो ये हमारे पास फ्रेम होता है, इसके बुनियादी तौर पे बेटा अगर हम देखें तो इसके टू फंक्शंस होते हैं बेटा, इसके दो काम होते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके दो काम कौन से होते हैं, ठीक है। पहला काम ये होता है बेटा कि ये जो फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल बेटा, इज ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी कॉइल बेटा, ये काम ये करता है बेटा। अगर ये नहीं होता तो पूरा फ्लक्स जो है बेटा ट्रांसफर नहीं होता। दूसरा होता है बेटा, ठीक है, दूसरा काम जो होता है वो एडी करंट्स और हाइस्टोसिस लॉसेस के अंदर होता है बेटा, ठीक है। रिड्यूसिंग बेटा आप कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग एडी करंट्स बेटा, ये जो लेमिनेशन होती है, इस लेमिनेशन का मकसद होता है बेटा कि ये जो है वो रिड्यूसिंग एडी करंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये आगे फंक्शन बेटा डिटेल के अंदर आ जाए। तो आप कह सकते हो बेटा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो फ्रेम होता है वो इस तरह से मैंने बनाया है, आपको इस तरह से तो नजर आएगा, लेकिन बुनियादी तौर पे वो कितना भी भले थिक हो लेकिन ये परमेला या सॉफ्ट आयरन जो होता है बेटा, ये सॉफ्ट आयरन या परमेला के लेयर्स का बना होता है, और एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान जो होता है बेटा इंसुलेटिंग जो वार्निश होता है, आपने मोस्टली देखा है बेटा वार्निश जो होता है वो फर्नीचर वगैरह के ऊपर उसको चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बिल्कुल शीशे की तरह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसको हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होके लिक्विड की तरह बन जाता है, और उसका जब लेयर लगाते हैं तो चमकना शुरू हो जाता है फर्नीचर वगैरह, वो होता है बेटा वार्निश। तो बेटा ये होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास कोर मटेरियल होता है बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे एक प्राइमरी कॉइल फोल्ड करते हैं बेटा, एक कॉइल यहाँ पे फोल्ड करते हैं और एक कॉइल बेटा हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं इस तरह से, या ये कभी कभी इस तरह भी होता है बेटा, कभी कभी इसका फ्रेम मोस्टली इस तरह होता है बेटा, कभी कभी क्या मोस्टली बेटा इसका फ्रेम इस तरह से होता है, ठीक है। ज्यादातर जो इसका फ्रेम होता है बेटा इस तरह से होता है, इसके अंदर सेंट्रल विंग होती है और उसके ऊपर प्राइमरी भी उसके ऊपर होती है बेटा और सेकेंडरी भी उसी के ऊपर बेटा होती है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं बेटा, मैं दूसरे पेज पे बना लेता हूँ। तो ज्यादातर बेटा ये इसका जो फ्रेम होता है ये इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से इसका फ्रेम बनता है, और आप कह सकते हैं कि बेटा इसके अंदर जो बीच वाली एक विंग बनती है, मोस्टली जो कॉइल फोल्ड की जाती है वो इसके ऊपर फोल्ड की जाती है। प्राइमरी कॉइल बेटा इस तरह से फोल्ड की जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर बेटा इस तरह से सेकेंडरी कॉइल जो है इस तरह बेटा फोल्ड की जाती है, इस तरह से दोनों कॉइल्स इस तरह से फोल्ड की जाती है, तो बेटा दोनों तरह से हो सकती है। तो ये बेटा इसका फ्रेम होता है, जिस फ्रेम के मटेरियल को कोर मटेरियल कहते हैं, और ये फ्रेम जो होता है बेटा लेयर्स के अंदर होता है और ये लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड का मकसद होता है बेटा एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान वार्निश का बेटा लेयर दिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है बेटा, अब ये काम इस तरह से करता है बेटा, देखिए बेटा ये प्राइमरी होती है बेटा, ठीक है,
और ये होती है बेटा सेकेंडरी। ठीक है, इस तरह से बेटा इसमें हम लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस बेटा, ठीक है, और इसमें हम देते हैं बेटा एसी इनपुट। ठीक है, एसी इनपुट हम देते हैं बेटा, जिसका नतीजा ये निकलता है बेटा, इसका फ्लक्स है प्राइमरी का फ्लक्स कहाँ पे चेंज होता है बेटा, सेकेंडरी के अंदर चेंज होता है, और जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पे होती है बेटा, वो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस कर देती है बेटा। ठीक है, तो बेटा इस तरह से होता है कि प्राइमरी के अंदर भी एक बैक ईएमएफ बनती है और सेकेंडरी के अंदर भी एक बैक ईएमएफ बनती है, क्योंकि प्राइमरी के अंदर भी एसी का फ्लक्स चेंज होता है और सेकेंडरी के अंदर भी एसी का एक फ्लक्स चेंज होता है। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होती है उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो बैक ईएमएफ इसके अंदर भी जनरेट होती है और इसके अंदर भी जनरेट होती है। तो बेटा प्राइमरी के अंदर जो बैक ईएमएफ जनरेट होती है वो मोस्टली इस इनपुट ईएमएफ के बराबर होती है। इसके अंदर फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगी, अगर इस कॉइल की रेजिस्टेंस निग्लिजेबल है, तो कॉइल की रेजिस्टेंस निग्लिजेबल होने की वजह से जो प्राइमरी के अंदर ईएमएफ जनरेट होगी वो उतनी होगी जितनी प्राइमरी को हम दे। बेटा इसको कहा जाता है प्राइमरी कॉइल, इसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी कॉइल, और इसको हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी कॉइल बेटा। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है। अब जो प्राइमरी कॉइल के अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होती है बेटा, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ईएमएफ इन प्राइमरी बेटा इज इक्वल टू माइनस एन बेटा प्राइमरी के जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स लिखे बेटा, एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बेटा, ये बैक ईएमएफ होती है। लेकिन इफ रेजिस्टेंस इज निग्लिजेबल बेटा, अगर रेजिस्टेंस बेटा निग्लिजेबल है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बेटा जो बैक ईएमएफ होती है, ठीक है, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू बेटा इनपुट ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ किसके बराबर होती है बेटा, इनपुट ईएमएफ के। ये आपके पंजाब बोर्ड के अंदर पॉइंट लिखी हुई है, तभी मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये पॉइंट्स पंजाब से आएंगी बेटा। तो बैक ईएमएफ जो होती है ये किस वजह से बेटा जनरेट होती है, ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, क्योंकि प्राइमरी के अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी के अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि ईएमएफ इन प्राइमरी बेटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि बेटा बैक ईएमएफ इनपुट के नेगेटिव होती है, या इनपुट जो होती है वो नेगेटिव ऑफ बैक होती है, ये एक दूसरे से बेटा डायरेक्शन इनका अपोजिट होता है। आपको पता है बेटा कि लेंजेज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसका डायरेक्शन हमेशा उससे अपोजिट होता है जो ईएमएफ उसको राइज करती है। तो यहाँ पे बेटा ये जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इसको राइज करने का सबब कौन है बेटा, ये हमारी इनपुट है। तो इसका मकसद है इस इनपुट और इसकी बैक ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो माइनस किस में चला जाएगा बेटा, माइनस में, और माइनस माइनस के अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास बेटा इसी तरह से। ये सेम रूल अप्लाई करेंगे बेटा सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर जो बैक ईएमएफ जनरेट होगी वो जो ईएमएफ डिलीवर करेगी, इन दोनों का डायरेक्शन जो होता है बेटा, ये इंड्यूस करने वाली ईएमएफ है, ये बनने वाली ईएमएफ है। ठीक है बेटा, ये इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ये कौन सी ईएमएफ कर रही है बेटा, प्राइमरी वाली ईएमएफ कर रही है बेटा। ठीक है, तो प्राइमरी वाली ईएमएफ अगर कर रही है तो इनके लिए भी सेम रूल इस्तेमाल होगा, और ये अपोजिट होंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगी इक्वेशन बेटा हमारे पास टू। ठीक है, तो
तो बेटा दोनों के अंदर जो बैक ईएमएफ्स बनती है वो हमेशा जो प्राइमरी के अंदर बैक ईएमएफ बनती है वो इनपुट के बराबर होती है, जो सेकेंडरी के अंदर होती है वो हमेशा लोड रेजिस्टेंस के ऊपर जो आती है उसके बराबर होती है बेटा। तो ईएमएफ इन प्राइमरी अपान ईएमएफ इन सेकेंडरी अगर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय हो जाएगा बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से करेंगे बेटा तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी या नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं आप, फिर जो है वो क्वेश्चन करोगे कि सर उसमें तो ईएस ऊपर है इसमें तो ईएस नीचे है ये क्यों है। तो बेटा ये मैंने ऊपर नीचे भी लिख दिया है, ठीक है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, दोनों को इस तरह से आप उल्टा लिख सकते हैं बेटा, दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं ईपी अपान ईएस कहीं पे लिखा हो तो आप पूछने बैठ जाओ कि सर वहां पे तो ईपी अपान ईएस है, आपने ईएस अपान ईपी लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिक्स कहती है दोनों को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के फार्मूले हैं बेटा। तो बेटा ये जो है आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इस तरह से काम करता है, आप प्राइमरी को देते हो आपको सेकेंडरी के अंदर ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन मिल जाता है, और प्राइमरी के अंदर अगर आप एसी दोगे तो ही सेकेंडरी के अंदर आपको मिलेगा, अगर प्राइमरी के अंदर आप डीसी दोगे तो सेकेंडरी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि डीसी जो होता है बेटा वो फ्लक्स को चेंज नहीं करता, ठीक है। अब टिपिकल कंडीशन लगाने नहीं बैठ जाना कि रियोस्टेट लगाए या हम उसको इधर उधर करें, तो बेटा वो तो इतना कौन करेगा बैठ के प्राइमरी के अंदर के सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ जनरेट, और इतनी तेजी के साथ आपसे होगा भी नहीं। यहाँ पे बेटा रोल क्या होता है कोर मटेरियल का, ठीक है बेटा, कोर मटेरियल का रोल ये होता है कि ये बुनियादी तौर पे इस तरह से हमारे पास बेटा क्वाइल्स लगी होती है, और बेटा ये इस तरह से जो होता है प्राइमरी होती है और ये सेकेंडरी होती है बेटा। तो प्राइमरी का फ्लक्स लेके सेकेंडरी तक जो जाते हैं बेटा वो कौन जाता है, ये कोर मटेरियल जाता है, और ये कोर मटेरियल बेटा हम सॉफ्ट आयरन बेटा परमेलॉय होता है जिसके अंदर आयरन निकल और कोबाल्ट होते हैं। आपको पता है बेटा आयरन निकल और कोबाल्ट जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए बेटा ये मटेरियल इनके बीच में लगाया जाता है ताकि प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंच जाए। अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जगह पे कोई और मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो बेटा वो पूरे फ्लक्स को सेकेंडरी तक नहीं ले जा पाएगा, और अगर पूरा फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं जाएगा तो बेटा सेकेंडरी के अंदर जो आउटपुट हमें मिलेगा वो इनपुट से कम मिलेगा, क्योंकि जितना फ्लक्स बीच में लूज हो जाएगा आप समझे उतनी एनर्जी हमारी लूज हो गई, यही फ्लक्स जो होता है वो सेकेंडरी के अंदर पहुंचता है और यही फ्लक्स सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ जनरेट करता है। अगर प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के अंदर 100% नहीं पहुंच पाता तो बेटा एनर्जी के लॉसेस होते हैं, इसलिए बेटा हम जो यहाँ पे कोर मटेरियल लेते हैं वो कोर मटेरियल बेटा हम लेते हैं सॉफ्ट आयरन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसीलिए लेते हैं ताकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सॉफ्ट आयरन हमारे 100% फ्लक्स को प्राइमरी के फ्लक्स को सेकेंडरी तक पहुंचा पाए, और सेकेंडरी के अंदर जो हमें आउटपुट मिले बेटा वो वेरी नियर टू द इनपुट मिले। लेकिन बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी 100% फ्लक्स को सेकेंडरी तक नहीं पहुंचा पाते, सम फ्लक्स का लॉस फिर भी हो जाता है लेकिन मिनिमम लॉस होता है, अगर इनकी जगह पे कोई और मटेरियल इस्तेमाल करते तो लॉस हमारा मैक्सिमम हो सकता था बेटा। अब ये फार्मूला क्या कहता है बेटा, ये फार्मूला हमें कहता है कि ईएमएफ इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बेटा। अब ये फार्मूला हमें ये कहता है कि प्राइमरी के अंदर ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और सेकेंडरी के अंदर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जो है वो सेकेंडरी होते हैं।
यहां से बेटा हमारे पास ये एक बात आती है कि हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करके बेटा ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस कॉइल के अंदर बेटा हम नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे उसके अंदर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जिसके अंदर हम कम रखेंगे उसके अंदर कम ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो बेटा इसकी बुनियाद पे, इस चीज की बुनियाद पे बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, ठीक है। अब इसी की बुनियाद पे बेटा टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, और ये टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं बेटा, ठीक है। अब आ जाए आप इस पे, ठीक है बेटा। एक होता है बेटा इस तरह से, या मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा टाइप्स, बेटा ट्रांसफार्मर की टाइप्स क्या होती है बेटा। एक ये हो सकता है बेटा, सपोज करें आप इस तरह से बेटा एक कोर मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप प्राइमरी और सेकेंडरी लगाते हैं बेटा इस तरह से। सपोज करें बेटा एक के अंदर आपने प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगाए हैं और सेकेंडरी के अंदर बेटा आपने नंबर ऑफ टर्न्स कम लगाए हैं, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है बेटा, ये फर्स्ट टाइप हो सकता है, और दूसरा बेटा इस तरह भी हो सकता है। इसका क्या होगा बेटा, इसका ये होगा कि अगर इस तरह से बेटा हम बनाए, ठीक है, इस तरह से बेटा अगर हम बनाते हैं और प्राइमरी के अंदर बेटा अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स कम लगा रहे हैं, इस तरह से बेटा नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कम लगाए और सेकेंडरी के अंदर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ज्यादा लगाए इस तरह से, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हो सकते हैं बेटा। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बेटा ग्रेटर देन है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, बेटा दो कंडीशन आ गई। तो बेटा फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है बेटा ईएमएफ इन प्राइमरी अपॉन ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी नंबर ऑफ सेकेंडरी का आपस में रिलेशन है। तो बेटा ये फार्मूला हमें कहता है कि जिसके अंदर बेटा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसके अंदर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगी किसके अंदर होगी बेटा, प्राइमरी के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के अंदर ज्यादा है सेकेंडरी के अंदर कम है। तो बेटा यहाँ पे करोगे ईएमएफ इन प्राइमरी ग्रेटर देन ईएमएफ इन सेकेंडरी बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखें प्राइमरी के अंदर कम है सेकेंडरी के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे करोगे बेटा ईएमएफ इन प्राइमरी लेस देन ईएमएफ इन सेकेंडरी, या इस तरह भी लिख सकते हैं सेकेंडरी ग्रेटर देन ईएमएफ इन प्राइमरी। दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि जो है वो लेस देन ईएमएफ इन प्राइमरी, बेटा इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर हमने ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमने नंबर ऑफ टर्न्स को तब्दील करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा करके हम ईएमएफ को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। इसको कहा जाता है बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये ईएमएफ को इंक्रीज करता है, तो इसको आप कहोगे बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर बेटा, सॉरी ये ईएमएफ को बेटा कम करता है तो इसको स्टेप डाउन कहेंगे बेटा, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे बेटा, ठीक है, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और ये ईएमएफ को बढ़ाता है तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे बेटा, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको कहेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मसला आता है बेटा, मैंने आपको ये कहा कि इसने ईएमएफ को कम कर दिया, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि इसने ईएमएफ को बढ़ा दिया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा,
एक एग्जाम्पल इसका लेता हूं बेटा, एक एग्जाम्पल उसका लेता हूं, सेकंड का बेटा। सपोज करें कि ये स्टेप अप है बेटा, इसका मकसद है इसकी प्राइमरी के अंदर बेटा ईएमएफ जो है ये है 220 वोल्ट। इसका मकसद है कि इसकी प्राइमरी के अंदर है बेटा 220 जूल पर कूलम है बेटा, ठीक है। और इसकी सेकेंडरी के अंदर क्या है बेटा, सेकेंडरी के अंदर जाहिर सी बात है इसके अंदर कम है। सपोज करें सेकेंडरी के अंदर है 110 वोल्ट बेटा, मीन्स 110 जूल पर कूलम है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बेटा प्राइमरी के अंदर 220 जूल पर कूलम है, सेकेंडरी के अंदर 110 जूल पर कूलम है। तो इसका मकसद है कि बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज कम किया, मीन्स एनर्जी कम कर दी। इसका मकसद है प्राइमरी के अंदर जो हर 1 कूलम्ब है उसके पास 220 जूल एनर्जी है, और जो सेकेंडरी के अंदर हर कूलम्ब के पास 110 जूल एनर्जी है। तो ये एनर्जी गई कहाँ पे बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कहाँ पे गई बेटा? इसका मकसद है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने एनर्जी का लॉस दे दिया, एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी गई कहाँ पे? 110 जूल जो है वो एनर्जी मिसिंग है बेटा यहाँ पे। प्राइमरी के अंदर हमने 220 जूल दिए, तो बेटा सेकेंडरी के अंदर कितनी बनी है बेटा? 110 जूल बनी है बेटा, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं इसको थोड़ा स्पेस के साथ लिखता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज और भी बीच में लिखनी है, ठीक है। तो मैं इसको बेटा स्पेस के साथ लिखता हूँ बेटा, ईएमएफ इन सेकेंडरी बेटा 110 वोल्ट है, मीन्स 110 जूल पर कूलम्ब। मीन्स बेटा सेकेंडरी के अंदर 110 जूल एनर्जी जो है वो मिसिंग है। ये एनर्जी कहाँ पे गई बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी गई कहाँ पे बेटा? तो बेटा एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जब वो वोल्टेज को कम करता है तो करंट को बढ़ा देता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर करंट, सपोज करें अगर प्राइमरी के अंदर करंट 1 एम्पियर है, ठीक है। 1 एम्पियर का मकसद है बेटा इसके अंदर 1 कूलम्ब पर सेकंड जो है वो चार्ज फ्लो कर रही है बेटा, मीन्स 1 कूलम्ब चार्ज के पास 220 जूल एनर्जी है। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे कि सेकेंडरी के अंदर जो करंट होता है बेटा वो बढ़ जाता है, 2 एम्पियर बन जाता है, ठीक है। मीन्स बेटा 2 कूलम्ब पर सेकंड हो जाता है बेटा। तो ये हो जाता है कि हर कूलम्ब के पास अगर 110 जूल है तो 2 कूलम्ब के पास 220 जूल हो जाएगी। यहाँ पे 1 कूलम्ब के पास 220 जूल है, यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ईएमएफ को तो कम करता है बेटा, लेकिन करंट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो यहाँ पे अगर करंट 1 एम्पियर है तो यहाँ पे करंट क्या बन जाएगा बेटा? 2 एम्पियर बन जाएगा। तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर हम देख लें बेटा, तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल ये होता है बेटा, ठीक है। इसका एग्जांपल ये होगा कि ईएमएफ इन प्राइमरी बेटा इज इक्वल टू 110 वोल्ट है या 110 जूल पर कूलम्ब है बेटा। तो करंट जो होता है प्राइमरी के अंदर बेटा 2 एम्पियर होगा। तो ये क्या करेगा बेटा? करंट को कम कर देगा, क्योंकि इसको ईएमएफ को बढ़ाना होता है बेटा। अगर ये ईएमएफ को बढ़ाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सेकेंडरी के अंदर क्या बन जाएगी बेटा? सेकेंडरी के अंदर सपोज करें 220 वोल्ट इज इक्वल टू 220 जूल पर कूलम बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट होगा बेटा सेकेंडरी के अंदर, वो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट और भी बन जाती है बेटा यहाँ पे कि
करंट इन प्राइमरी लेस देन करंट इन सेकेंडरी बेटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगी एक पॉइंट बेटा, करंट इन प्राइमरी ग्रेटर देन होता है करंट इन सेकेंडरी बेटा, क्योंकि ईएमएफ की जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है बेटा वो किसके अंदर चली जाती है बेटा, करंट की सूरत में अपीयर होती है, क्योंकि ईएमएफ बेटा एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है। ईएमएफ का कम होना मींस एनर्जी पर यूनिट चार्ज कम हो गई, ईएमएफ का बढ़ना मतलब ईएमएफ पर यूनिट चार्ज जो है वो बढ़ गई है। तो बेटा इस कंडीशन के अंदर जब ईएमएफ इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो रिजल्ट करती है एनर्जी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज की। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से बेटा ये होता है कि ईएमएफ का इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे रिजल्ट करता है बेटा करंट की इंक्रीज या डिक्रीज के अंदर। अब आप इसको फार्मूले के अंदर भी देख सकते हैं बेटा कि जो बेटा ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर दो चीजें अब देखने में आई, कौन सी बेटा, पोटेंशियल भी देते हैं करंट भी देते हैं, और पोटेंशियल भी लेते हैं करंट भी लेते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है तो आप कहोगे ट्रांसफार्मर का काम ईएमएफ को इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसका काम करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना नहीं। करंट होता है लेकिन ये इसका काम नहीं है, करंट को इंक्रीज डिक्रीज करना रेजिस्टर का इंडक्टर का मुख्तलिफ चीजों का काम होता है बेटा, ये ट्रांसफार्मर का काम नहीं होता करंट को इंक्रीज। अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है तो आप कहोगे ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ ईएमएफ को इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसके नतीजे में वो हो जाता है तो ट्रांसफार्मर का कसूर नहीं है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वो काम नहीं है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल नहीं किया जाता करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, लेकिन हो जाता है तो ट्रांसफार्मर का कसूर नहीं है क्योंकि उसने तो सिर्फ ईएमएफ को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है बेटा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए काम क्या है, ईएमएफ को कम करना ज्यादा करना, करंट को कम ज्यादा करना, या दोनों को, दोनों नहीं करना है बेटा, ईएमएफ को करना है क्योंकि उसका काम सिर्फ ईएमएफ से होता है, ठीक है। और दूसरा बेटा जो चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है, जो दूसरी चीज आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि ट्रांसफार्मर को देते दोनों चीजें, प्राइमरी के अंदर भी ईएमएफ और करंट देते हैं, सेकेंडरी के अंदर भी ईएमएफ और करंट देते हैं। और जो बेटा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे वापडा वालों का घरों के गलियों के अंदर लगा होता है ट्रांसफार्मर है बेटा, स्टेबलाइजर इज ऑल्सो ट्रांसफार्मर बेटा, मोबाइल चार्जर ट्रांसफार्मर कम रेक्टिफायर दोनों है बेटा, उसके अंदर दोनों फंक्शन है। तो ट्रांसफार्मर हम हर जगह पे, जहाँ पे एसी होता है वहां पे ट्रांसफार्मर यूज होता है बेटा, और हमारे पास जो आता है घरों के अंदर एसी आता है। तो बेटा ट्रांसफार्मर के अंदर इनपुट के अंदर भी पावर देते हैं, आउटपुट के अंदर भी पावर लेते हैं, क्योंकि ईएमएफ और करंट दोनों देते हैं, ईएमएफ और करंट की वी इंटू आई की प्रोडक्ट पावर कहलाती है। तो बेटा हम पावर इनमें देते हैं पावर आउट में लेते हैं। तो बेटा याद रखिएगा जो प्रैक्टिकल चीज होती है ये फिजिकल फिनोमिना है कि पावर इन इज नॉट इक्वल टू द पावर आउट, पावर आउट हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू द पावर इन बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, जो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स बेटा, बेटा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स के लिए, ठीक है, जो पावर इन होता है बेटा वो ग्रेटर देन होता है पावर आउट के बेटा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं कि बेटा जो पावर आउट होता है वो लेस देन होता है पावर इन से, और इसकी इफिशिएंसी होती है बेटा पावर आउट अपॉन पावर इन बेटा, और ये लेस देन होती है बेटा 100%। अप टू कमर्शियल ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी 95% तो 99% है शायद बेटा, सिंध बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है बेटा। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इनको कमर्शियल ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है जो हम इस्तेमाल करते हैं।
इनको हम कमर्शियल ट्रांसफार्मर भी कहते हैं बेटा। ठीक है, पूछिए। तो बेटा देखिए, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं, दिसो अच्छे तो बताओ आपके टॉपिक के शुरू करें। तो देखिए बेटा, फॉर प्रैक्टिकल जो है वो ट्रांसफार्मर होते हैं, कमर्शियल जिसको कहा जाता है, उसकी इफिशियंसी बेटा जो होती है, इफिशियंसी का फार्मूला आप ले सकते हैं कि पावर आउट अपॉन पावर इन लेस देन बेटा 100% होता है। अब एक होता है बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर एक होता है बेटा, हमेशा हम बेटा फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं बेटा। आइडियल ट्रांसफार्मर का मकसद है बेटा नो लॉस, कोई लॉस नहीं बेटा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। जैसे हम करते हैं ना बेटा न्यूटन के लॉ के अंदर, कहते हैं फ्रिक्शन है ही नहीं, जब फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के बेटा, तो आइडियल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे भी अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर करें तो उसके अंदर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होगा। तो बेटा आप करोगे कि पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट, किसके लिए बेटा, आइडियल के लिए। पावर इन होता है बेटा प्राइमरी के अंदर, वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी बेटा इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी करंट इन सेकेंडरी बेटा। यही क्वेश्चन है क्योंकि हम फार्मूला हमेशा ड्राइव करते हैं आइडियल कंडीशन के लिए बेटा। तो वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी इज तो बेटा करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी बेटा, ये एक फार्मूला आ गया। ये आपको लगेगा कि ओम्स लॉ के खिलाफ है बेटा, ये फार्मूला कहता है वोल्टेज इन प्राइमरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट इन सेकेंडरी बेटा। और यही बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं बेटा कि अगर वोल्टेज प्राइमरी के अंदर ज्यादा होगा तो प्राइमरी के अंदर करंट कम होगा। ओम्स लॉ नहीं बेटा कि आप ये कहो कि ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज और करंट तो डायरेक्ट रिलेशन, वो ये कहता है कि किसी कॉयल को करंट देते हो उसको ईएमएफ ज्यादा दोगे तो उसमें करंट ज्यादा होगा। वो एक कॉयल के लिए बेटा, ये अल्टरनेट कॉयल्स के लिए। तो वोल्टेज प्राइमरी के अंदर अगर ज्यादा होगा तो प्राइमरी के अंदर करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज सेकेंडरी के अंदर ज्यादा होगा तो करंट सेकेंडरी स्टेप अप और स्टेप डाउन की जो बात मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ बेटा, वो यही बात ये फार्मूला आपको यहाँ पे बता रहा है। फार्मूला हमेशा आइडियल कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। ठीक है, अब बेटा जो रीजन है कि यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं ये 5% टू 1% लॉसेस होते हैं, क्यों होते हैं बेटा कल डिस्कस करेंगे, इसके बाद बेटा आपकी होगी भाइयों। लेकिन एक छोटी सी वीडियो बेटा देख लें आप, उसके बाद जो है बेटा हम डिस्कस करते हैं। आप पढ़िएगा बेटा बायो, सर आपको बताएंगे बायो के बारे में। ने कंप्यूटर बेटा कल देखेंगे, इसके अंदर चल नहीं रही कल इंशाल्लाह।